नमस्कार, मैं सीमा पाल, पीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में हम आपको भेलपुरी चाट बनाना बता रहे हैं। इसके लिए हमने जो जो मटेरियल लिया है, टमाटर, प्याज, भुजिया नमकीन, ये आप आलू भुजिया भी ले सकते हो, आप बेसन भुजिया भी ले सकते हैं, खीरा, पीनट चटनी, आप ग्रीन वाली चटनी भी ले सकते हैं, आप हरी चटनी भी ले सकते हैं, आप इमली की चटनी भी ले सकते हैं। अगर आपको खट्टे मीठे बनाने हैं, भुने हुए मुरमुरे, हरा धनिया, नींबू का रस हमने पहले निकाल लिया है, कुछ मसाले, चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक लिया है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो नींबू का रस लिया है, हम इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही कटा हुआ टमाटर, प्याज, खीरा, हरा धनिया, ये सब इसके अंदर डाल देंगे। पीनट वगैरह जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, हमें जो जो डालनी है, आपको बारीक बारीक चॉप करना है सब चीजों को। हमने यहाँ पर आलू भी लिया है, आलू भी डाल देंगे। ये हमने नमक मिर्च पहले ही निकाल रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी काटी है तो हमने लाल मिर्ची कम ली है। चटनी, हरी चटनी, साथ में मीठी चटनी, इमली वाली जो चटनी होती है, ये भी 2-3 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर भुजिया नमकीन, चाहे ये आलू भुजिया हो या फिर आपकी बेसन भुजिया हो, कुछ पापड़ वगैरह या चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद हम भुने हुए मुरमुरे को लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। फिर यहाँ पर हम चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। हमारी जो टीस्पून होती है, छोटे वाली चम्मच होती है, जिसे हाफ टी स्पून के नाम से जाना जाता है, वह डालेंगे और फिर अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान होता है, हमारे घर के कुछ सामान से इसे बनाया जा सकता है। आप चाहे तो इसमें भुजिया नमकीन और अधिक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये जो खट्टी मीठी नमकीन होती है या अन्य प्रकार की जो नमकीन होती है, आप उसे भी डाल सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी भेलपुरी बनकर तैयार है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।